सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारी पेपर वन की सीरीज में, जहां पे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पैरेलली एक दिन में दो बार देख रहे हैं। ऐसा करने से आपका पेपर वन बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली विथ क्वेश्चंस आपका कवर होता जा रहा है एंड आई होप ये दोनों ही सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों से ही आपके कुछ 10 या 11 क्वेश्चंस मिक्स करके आते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज की हमारी क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। उससे पहले यू मस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट इन इंस्टेंट नोटिफिकेशंस और लिंक्स टू माय वीडियोस। देन यू प्रोबेबली नो बाय नाउ कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट पढ़ाने का है। आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट द टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वी स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू द कंटेंट एंड आल्सो सी द क्वेश्चंस। सो इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल यू मस्ट सब्सक्राइब टू इट। देन आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डेवलपमेंटल थ्योरीज के बारे में। अभी तक हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग ने डोमेन्स ऑफ लर्निंग को देखा था, ब्लूम्स की टेक्सोनोमी को देखा था कि एक बच्चा जब छोटा होता है वो कई सारी कॉग्निटिव साइकोमोटर इफेक्टिव इन सारे जो लेवल्स को पार करता है, इन सारे एरियाज में उसको अपनी लर्निंग मिलती है। आज की क्लास में जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं वी हैव टू सी थ्री थ्योरीज। तीन आपके अलग अलग थ्योरिस्ट हैं, उनकी अलग अलग थ्योरीज हैं जो तीनों ही आपकी डेवलपमेंटल थ्योरीज मानी जाती हैं, शुरुआत से बचपने से लेके एक इंसान के अडल्टहुड तक। तो तीनों को ही आप आज देखने वाले हैं जो कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंटल थ्योरीज कहलाती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम है जहाँ पे छोटा सा काका है, देन वो आपका बड़ा हो जाता है, देन वो थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, एडोलेसेंट में चला जाता है, देन आपका अडल्टहुड में चला जाता है। एंड इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं वो भी हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ अवर फर्स्ट थ्योरी जो कि है पियाजे's स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको पियाजे भी बोला जाता है, पाइगेट भी बोला जाता है। हिंदी में बेसिकली लोग पियाजे बोलते हैं, जीन पियाजे इनका पूरा नाम है, वेयर इज पाइगेट्स स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नाउ व्हेन आई से कॉग्निटिव, आप लोग को ये वर्ड बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कल की क्लास से हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है कि कॉग्निटिव का मतलब होता है बौद्धिक लेवल, जहां पे हम लोग मेंटल लेवल के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो मेंटल लेवल होता है। हम लोग ने ब्लूम्स की टेक्सोनोमी में इसके कई 6 चरण भी देखे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं। यहां पे व्हेन वी टॉक अबाउट पाइगेट स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आपके पाइगेट बताते हैं कि जो एक पर्टिकुलर छोटा बच्चा होता है वो अपने अडल्टहुड तक जाता है तो 4 चरण होते हैं, 4 चीज़ों में आपका जो बच्चे की स्टेज होती है कॉग्निटिव लेवल की, मतलब बुद्धि को डेवलप होने के लेवल की 4 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहली हमारी जो स्टेज हो जाती है बेटा वो है, आई चेंज द कलर, हाँ, तो सबसे पहले हमारी जो क्या कहते हैं स्टेज हो जाती है वो है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 से 2 ईयर्स। देन हमारी दूसरी स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 2 से 7 साल। देन तीसरी आती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 साल में आती है, एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 से ऊपर तक की आती है। ये आपकी 4 स्टेजेस हैं। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देख पा रहे होंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा है उसने एक ग्लास पकड़ा हुआ है पानी से भरा हुआ है एंड वो उसको छू के पता लगाने की कोशिश कर रहा है। देन यहाँ पे सेकेंड स्टेज में उसको पानी का कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पता लगता है। तीसरी स्टेज में उसको ये पता लगता है या फिर उसको कंजर्वेशन आता है कि पानी को मैं छोटे ग्लास में डालूं तो ये कुछ और है, बड़े ग्लास में डाल दूं तो ये कुछ और है। इस स्टेज में उसको पानी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, बट बड़े होते होते उसको पता लगने लगता है कि नहीं, चाहे मैं उसको इसमें डालूं चाहे इसमें डालूं वो पानी पानी ही रहता है। उससे पहले की स्टेज में उसको लगता है कि अगर मैंने बदल दिया तो पानी कुछ और बन गया, ठीक है। बड़ी स्टेज में तो ऑफकोर्स आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है एंड आपको समझ में आने लगता है कि भाई ग्लास मेरा आधा खाली है आधी हवा भरी हुई है। ये हुआ एग्जाम्पल बताने का, आगे आप बहुत अच्छी तरीके से और समझने वाले हो। पाइगेट्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर पार्ट ऑफ अ थ्योरी अबाउट द फेजेस ऑफ नॉर्मल कॉग्निटिव डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके
जो जीन पियाजे हैं वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंसान होता है वो इन चार स्टेजेस से ही होके गुजरता है। हमारी जो पहली स्टेज होती है जहाँ पे लिखा हुआ है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, आप देखो कि आप किसी छोटे से बच्चे के हाथ में कोई भी चीज़ चोगे ना तो वो उसको छू छू के देखेगा, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे को किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्ट की परमानेंस के बारे में नहीं पता होता है। वो छू छू के अपने फिजिकल एक्टिविटीज करके किसी भी चीज़ की होने का पता लगाने की कोशिश करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द चाइल्ड बिगिंस टू इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, उसको जो भी दिखता है वो या तो उसको मुंह में ले लेगा या तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज दैट पर्टिकुलर एज। जब एक बच्चे के छोटे छोटे लिम्स होते हैं, छोटा जो काका होता है उसके उसके हाथ बहुत छोटे होते हैं, वो हर चीज को छू के पकड़ के मुंह में डाल के पता लगाने की कोशिश करता है। दिस इज योर प्री ऑपरेशनल दिस इज योर सेंसरी मोटर स्टेज। एंड सेंसरी मोटर से आपको समझ में आना चाहिए कि वो अपने सेंसेस को बहुत ज्यादा यूज करता है, हाथ पैर मारेगा, आंखों से देखेगा, मुंह में डालेगा, एंड वो अपने सारे सेंसेस को एक्टिवेट करके चीजों को जानने की कोशिश करता है। देन दूसरी जो हमारी स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली। आपका जो इस एज में बच्चा होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो सिंबल्स बनाने लगता है, अपने गुड्डे के साथ खेलने लगेगा, अपने गुड्डे को एक पर्टिकुलर नाम दे देगा, अपनी मदर से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करता है, उसके आसपास जो चीज़ें होती हैं उनका नाम देने लगता है, उसके सिंबल्स बनाने लगता है। इस एज में उसको जो कॉन्सेप्ट्स, जो चीज़ें आसपास दिखती हैं उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से उसको समझ में नहीं आते हैं। उसको लगता है कि पानी अगर ग्लास में पड़ा है तो वो ग्लास वाला पानी कोई और चीज़ है, वही पानी को अगर आप बोतल में डाल दोगे तो उसको लगेगा कि इस बोतल में कुछ और है। मतलब उसको सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक परमानेंट नॉलेज अभी नहीं होती है, हालांकि वो चीज़ों को अब देखना और समझना शुरू कर देता है। वही बेटा जब तीसरी स्टेज आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, व्हेन आई से कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज जो कॉन्क्रीट है, अब जो परमानेंट हो रही है, मैं उसको समझने लगा हूं, पानी का कॉन्सेप्ट या किसी भी सब्सटेंस का जो कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं लिखा है द चाइल्ड लर्न्स रूल्स सच एज कंजर्वेशन। यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की परमानेंस उसको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में और डिफरेंट चीज़ों में समझ में आने लगी कि अच्छा ये तेल है, ये पानी है, देन ये केरोसिन है, ये पेट्रोल है। धीरे धीरे उसको इस स्टेज में चीज़ों के कॉन्क्रीट होने का डिफरेंशिएट होने लगता है, एंड देन वो आ जाता है अपनी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, सब्सटेंसेस की नॉलेज हो जाती है, केमिकल सब्सटेंसेस उसको समझ में आने लगते हैं, एंड ये कॉन्क्रीट और चीज और आगे जाके कॉन्क्रीट हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको डेफिनेशन वाइज भी देख लेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज जो हम लोग की 0 से 2 इयर्स तक की होती है, द चाइल्ड लर्न्स बाय डूइंग, लुकिंग, टचिंग, सकिंग। बताया था ना कि जो छोटा सा काका होता है वो हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसको नहीं पता होता है कि इस ऑब्जेक्ट का क्या टेस्ट है या आग को छूने से क्या होगा, जो देखेगा उसको पकड़ने की वो कोशिश करता है। तो इस तरीके से सेंसरी मोटर स्टेज में अपने सेंसेस को यूज करके वो चीजों के बारे में पता लगाता है। द चाइल्ड ऑल्सो हैज अ प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। ऑब्जेक्ट परमानेंस अपीयर्स अराउंड 9 मंथ्स, मतलब 9 मंथ से पहले तो उसको ऑब्जेक्ट की परमानेंस के भी बारे में नहीं पता होता है। आप उसको अकेले कमरे में छोड़ दोगे तो वो डर जाएगा, इसीलिए 9 महीने तक आपकी जो मदर होती है वो अपने से चिपका के रखती है, बहुत ही उसको अपने शरीर का प्यार देती है। इसकी वजह से उसके अंदर एक परमानेंस की भावना आती है, उसको लगता है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, अदरवाइज उसको ये फील होता रहता है कि मैं अकेले हो गया हूँ, या मुझे बच्चे को ऑटोमेटिकली डर लगने लगता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी आ जाती है 2 से 7 साल में, इसको कहा जाता है द चाइल्ड यूजेस लैंग्वेज एंड सिंबल्स। अब भाई जाहिर सी बात है, बच्चा 2 साल का होने लगता है, टूटे फूटे शब्द बोलने लगता है, लैंग्वेज को यूज करने लगता है, लेटर्स यूज करता है, नंबर्स को यूज करता है, और ये वो एज होती है ईगो सेंट्रिसिज्म इज ऑल्सो एविडेंट। इस एज में ना बच्चे बड़े मतलब ईगो सेंट्रिक, आप किसको बोलोगे कि बहुत ही घमंडी और ऐसे इंसान को, नहीं, उस इस छोटे से बच्चे के अंदर ना मैं बहुत आ जाता है,
है, आपका जो इस स्टेज में बच्चा होता है ना, उसको लगता है कि ये पूरी दुनिया तो मेरे अकॉर्डिंग चल रही है या मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा बोलते हैं इस टाइम में बच्चे, उज्जट हो जाते हैं, शैतान हो जाते हैं, उनको हर चीज को ग्रैब करना रहता है, उनको हर चीज को अक्वायर करना चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना है। तो उनकी पूरी दुनिया जो होती है वो मैं के अराउंड चलती है, उनको इससे सब पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी बड़े हो तो तुम्हें कितनी बलिदान करने पड़ेंगे, कितने सैक्रिफाइसेस एंड सो मेनी थिंग्स, बट इस स्टेज में आपको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं एंड ये मम्मी पापा ये सब मेरे इशारों पे चल रहे हैं, ठीक है। देन कंजर्वेशन मार्क्स एट द एंड ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड द बिगनिंग ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये आपको समझना है, ये जो कंजर्वेशन वाला हम लोग ने वर्ड देखा है, अगर आप नेट पे भी जाके सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कंजर्वेशन एक ऐसी चीज होती है जहां पे बच्चा सब्सटेंसेस को डिफरेंट कंटेनर्स में वो किस तरीके से परफॉर्म होते हैं समझ नहीं पाता है। उसके सामने अगर आप पानी को, उतने ही पानी को एक ग्लास में रखोगे तो उसको लगेगा कि ये कोई और चीज़ है, उतने ही पानी को एक बड़ी सी बॉटल के अंदर डाल दोगे तो उसको लगेगा कि इस बॉटल में कुछ और है। तो ये कंजर्वेशन ये वाली स्टेज के बिल्कुल एंड में आने लगता है एंड जो तीसरी स्टेज होती है उसके शुरुआती तौर में उसको पता लगने लगता है कि नहीं यार उतनी ही चीज़ है दोनों में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज विच इज नोन एज 7 से 11 ईयर्स में द चाइल्ड डिमॉन्स्ट्रेट्स कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, सीरियल ऑर्डरिंग एंड अ मेच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। थिंकिंग एट दिस स्टेज इज स्टिल कॉन्क्रीट। आपकी यहाँ पे कॉन्क्रीटनेस आने लगती है, अभी तक तो सेंसरी मोटर में तो बिल्कुल वो छोटा सा बच्चा है, प्री ऑपरेशनल में वो बहुत जिद्दी होता है, चीजों को नहीं समझता है, मैं के अकॉर्डिंग चलता है कि मुझे अगर आपको पकड़ना है तो मैं पकड़ूंगा। एंड हमारी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है वहां पे उसको चीजों के इफेक्ट पता लगने लगते हैं कि भाई आपको पकड़ोगे तो हाथ तुम्हारा ही जलेगा, अगर मतलब छुरी से खेलोगे तो तुम्हारा ही हाथ कटेगा। तो यहां पे उसको ऑब्जेक्ट, परमानेंस और उनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगते हैं। देन लास्ट स्टेज में जब हम लोग आते हैं, ये 12+ एज होती है, 12 के बाद हमारा 13 स्टार्ट हो जाता है विच इज नोन एज एडोलेसेंट एज। बच्चा जवान होने लगता है, यंग होने लगता है, नए नए कॉन्सेप्ट्स उसको पता लगते हैं, पढ़ाई के भी केस में रूल्स, फॉर्मुलेस, देन कॉन्सेप्ट्स उसके दिमाग में बैठने लगते हैं, उसको अब सब कुछ समझ में आने लगता है, जो टीन एज जिसको बोला जाता है किशोरा अवस्था। द इंडिविजुअल डिमॉन्स्ट्रेट्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस एज में आप बड़े सपने बनाने लगते हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आपकी पकड़ होने लगती है। भाई इससे पहले बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं बना पाता है, कॉन्क्रीट चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, कॉन्क्रीट चीजें ही समझ में आती है, समय कैसे काम करता है, टाइम क्या है, स्पेस क्या है, हवा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं होता है और समझाओगे भी तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपकी ये जो किशोरावस्था से पहले, एडोलेसेंट एज की पहले जो एज होती है, बच्चा अगर कोई आ गया आसपास पड़ोस का, वो बड़े क्वेश्चन पूछता है एंड आपका बिल्कुल सर खा जाएगा, क्योंकि उसको कॉन्क्रीट चीजें ही समझ में आती हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट चीजों को लेके वो समझ नहीं पाता है लेकिन क्यूरियस भी होता है। तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट जो एज होगी जहां पे उसको कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट समझ में आने लगते हैं, वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बन जाती है, इंक्लूडिंग लॉजिक, डिडक्टिव रीजनिंग, कंपैरिजन एंड क्लासिफिकेशन। ये वाली जो स्टेज होती है इसमें उसकी रीजनिंग, लॉजिक काफी डेवलप होने लगती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा पाइगेट का या पियाजे का जो थ्योरी है वो खत्म होती है। ज्यादा इसको एग्जैजरेट करने की जरूरत ही नहीं थी, यही 4 स्टेजेस है, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन देखोगे और समझ जाओगे, इसको 1 घंटे का क्लास बनाने का तो कोई मतलब नहीं है। आ गए हैं हम लोग दूसरी अपनी थ्योरी के ऊपर जिसका नाम है एरिक एरिक्सन 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। नाउ यू विल ऑल्सो फाइंड मेनी पीपल टीचिंग यू ऑन द इंटरनेट अबाउट दीज थ्योरिस्ट एंड साइंटिस्ट। इनसे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं कि ये कौन था, इसका नाम बताओ, कब इसका जन्म हुआ। भाई पेपर 1 में इनकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, ना कि इनके नाम और इनकी जन्म, इनकी बायोग्राफी। तो अगर आप इस चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इनके बारे में जानने में, देन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। इनकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, उसको आपको कहीं ना कहीं लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। हम लोग ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखी पियाजे की, कॉग्निटिव मतलब जो बुद्धि के लेवल पे काम करती है। अब हम लोग आ चुके हैं एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट में। सोसाइटी, आप सब लोग ने पढ़ा होगा कि हमारी जो सोसाइटी होती है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, हमारी साइकी को डेवलप करने में। हम लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा रोल
डेवलप करने में आपकी सोसाइटी का क्या कहते हैं हाथ होता है. नाउ व्हेन आई से सोसाइटी आई डू नॉट मीन कि हमारे रिश्तेदार हमारा ये हमारे वो. लोगों से सोसाइटी नहीं बनती है, आपके चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट होते हैं एंड द पीपल वी हैव वो आपकी सोसाइटी या सोशल उसका पार्ट बन जाते हैं. एंड इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी साइकोलॉजी पे आपकी थिंकिंग पे, ये हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी के थ्रू देखने वाले हैं. आपको एक चीज है जो याद रखनी है कि पाइगेट की जो थ्योरी थी उसमें 4 स्टेजेस थी, एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें हम लोग को कितनी 8 स्टेजेस दिखाई दे रही है. कभी कभी एक क्वेश्चन आया है कि इसमें कितनी स्टेजेस हैं, तो स्टेजेस के आपको नंबर भी याद रखने पड़ेंगे. आगे बढ़ेंगे बेटा और हम लोग इसकी थ्योरी को देखना स्टार्ट करेंगे. एरिक्सन सजेस्टेड हाउ वी इंटरैक्ट विद अदर्स इज वॉट इफेक्ट्स अवर सेंस ऑफ सेल्फ और वॉट ही कॉल्ड ईगो आइडेंटिटी. आपके एरिक्सन ने बताया है कि हम लोग का सोसाइटी में बात करने का तरीका या हम लोग की सोसाइटी में क्या जगह है वो बहुत बड़ी एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है अपने आप को समझने में या अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने में. दूसरा पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल थ्योरी वी एक्सपीरियंस 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ओवर आर लाइफ स्पैन फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू लेट अडल्टहुड. जिस तरीके से आपके जीन पियाजे ने आपकी इन्फेंसी से अडल्टहुड की 4 स्टेजेस बताई, यहाँ पे 8 स्टेजेस बताते हैं एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट में जो एक छोटा सा बच्चे से लेके अडल्टहुड तक आपका चलता है. एट ईच स्टेज, बहुत ध्यान से इस लाइन को समझना विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. आई वॉन्ट टू यूज ओके. एट ईच स्टेज देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. आपका हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद होता है. हर स्टेज में आपको एक टास्क मिलता है दैट वी नीड टू रिजोल्व. मतलब कि आपको ये जो 8 स्टेजेस हैं इस ये एक टाइप के टास्क है. जैसे बिग बॉस के घर में आपको टास्क मिलते हैं, आपको पूरा करना पड़ता है, देन उसका एक रिजल्ट होता है, परिणाम होता है जिसमें आपको या तो रिवॉर्ड मिलता है या तो पनिशमेंट मिलता है. आपके एरिक्सन बताते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जो हर इंसान पार करता है एंड उस स्टेज के अपने अपने टास्क होते हैं. अगर वो टास्क आप बहुत अच्छी तरीके से बखूबी निभा लेते हो तो आप उस स्टेज के पर चले जाते हो, अगर नहीं निभा पाते हो तो आपकी पर्सनालिटी में एक टाइप की कमी आ जाती है एंड उससे रिलेटेड एक आपकी जो पर्सनालिटी में वो इमोशन है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है. या करना हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में, जिसमें हम लोग ने ये पढ़ा है कि हमारी बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं एंड कोई भी ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी वजह से हम लोग को एक इसेंट्रिक या फिर एक अलग टाइप का कैरेक्टर देखने को मिलता है. कुछ वैसा ही रिलेट आप यहाँ पे कर सकते हो हमारी एरिक्सन की इस स्टेजेस में कि आपको हर स्टेज में एक टास्क मिली हुई है जो आपको पूरी करनी है. अभी आपको पता चलेगा बहुत इंटरेस्टिंग इनकी थ्योरी है. हर स्टेज में आपको एक टास्क मिलती है, वो पूरी करते हो तो आपकी पर्सनालिटी पूरी ओवरऑल बहुत अच्छी बनती है. अगर नहीं पास करते हो तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ फिक्सेशंस हो जाते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं जिनका असर आपको पूरे जीवन देखने को मिलता है. अभी हम लोग देखेंगे और समझेंगे. सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच डेवलपमेंटल टास्क इन अ सेंस टास्क रिजल्ट्स इन अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अ हेल्दी पर्सनालिटी. जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप सक्सेसफुली किसी टास्क को पूरा कर लेते हो तो आपकी पर्सनालिटी हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट होगी. लेकिन अगर फेलियर हो गया मास्टर करने में इन टास्क को तो आपको एक इनएडिक्वेसी की फीलिंग होगी. मतलब अपने आप को आप इंफीरियर इनएडिक्वेट अधूरा समझने लगते हो. एंड ये स्टेजेस क्या है आओ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं. सबसे पहली जो स्टेज यहाँ पे दिखाई गई है इन्फेंसी की छोटे काका वाली स्टेज, जो कि आपकी 18 महीने से बर्थ से लेके 18 महीने तक होती है. अब इस एज में ऐसा क्या टास्क हम लोग को मिला होता है, इस एज में बेटा हम लोग का जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो होता है फीडिंग. एंड फीडिंग की वजह से आपको या आप अगर आपकी फीडिंग अच्छी हुई है आपका शुरुआती दौर में कहा जाता है ना कि बिल्कुल माँ से कनेक्शन बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, फीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो माल नरिश्ड रह जाते हैं, उनकी मदर के साथ कुछ हो जाता है या बचपने में ही उनकी माँ उनकी माँ पास आउट हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है तो वो बच्चे इमोशनली बहुत ही वीक बच्चे बन के निकलते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपका अपनी माँ के साथ शुरुआती दौर में एक अच्छा कनेक्शन है, यू आर अ वेल फेड चाइल्ड, तो आप डेवलप करते हो दुनिया के प्रति ट्रस्ट. अदरवाइज आप एक मिसट्रस्ट में चले जाते हो. जैसे कहा जाता है ना, आजकल आपने काफी सुना होगा कि
मुझे ट्रस्ट इश्यूज है। तो आपके एरिक एरिक्सन बताते हैं कि जिस बच्चे का बचपन में अपने पेरेंट्स स्पेशली अपनी मदर से एक अच्छा फीडिंग कनेक्शन होता है, उसको अच्छे से बिल्कुल शुरुआती दौर में पाला गया होता है, उसको ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते हैं, वो लोगों पे जल्दी विश्वास कर सकता है एंड डरा हुआ वो नहीं रहता है। तो ये वाली जो स्टेज है बेटा, जो हम लोग ने देखी, पहली स्टेज जो होती है, इसको कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एंड ये आपकी मदर की फीडिंग से ही आपकी डेवलप होती है एंड इसकी वजह से आपके अंदर आउटकम जो होता है वो डेवलप होगा होप, अदरवाइज आप बहुत ही हमेशा निराशाजनक इंसान के रूप में रहते हो जो लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता है। चलते हैं हम लोग अपनी दूसरी स्टेज पे, और हमारी दूसरी स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 3 साल तक की है। इसको बोला गया है कि अगर आप कर लेते हो इस टास्क को पूरा, जो कि है आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग, तो आपको ऑटोनॉमी आ जाती है, मतलब अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपनी आइडेंटिटी का। अगर नहीं आता है तो आपको शेम एंड डाउट का सामना करना पड़ता है पूरी जिंदगी। आप सबको पता है कि बच्चा जब फीडिंग स्टेज से बाहर निकल जाता है, जब वो छोटा काका होता है, तो क्या कहते हैं, द रिलीविंग ऑफ फ्लूइड्स एंड द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉडी वो अपने बेड पे ही करता है, ठीक है, एंड सब लोग उसका ध्यान रखने के लिए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग कराना शुरू कर देते हैं उसके पेरेंट्स। एंड अगर वो टॉयलेट ट्रेनिंग में पास हो जाता है, ये जो टास्क है वो पास कर लेता है, तो उसको मिलता है एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, अपनी बॉडी पे कंट्रोल। भाई आप लोग को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका अपनी बॉडी से कंट्रोल खत्म हो जाता है। सेम वही चीज तब होती है जब एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है कि उसको कभी भी सुसु जाना है, वो कभी भी कर देगा एंड सच थिंग्स। यहां पे जब आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है एंड यू आर एबल टू कंट्रोल दैट थिंग, या फिर आप सही जगह पे अपने आप को रिलीव करने जा पाते हो, तो ये आपको एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी देता है। लेकिन अगर आप नहीं इसको कर पाते हो तो आपको बहुत हद तक शेम एंड डाउट का सामना करना पड़ता है। एंड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 7-7 साल की उम्र तक भी आपके बेड पे ही सुसु कर देते हैं, तो उनको शेम का एंड डाउट का सामना करना पड़ता है एंड ये उनकी ओवर पर्सनालिटी पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। ना सिर्फ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनकी बड़े हो जाने के बाद भी शेम एंड डाउट वाली स्थिति रह जाती है, जो उनका विल, जो उनके अंदर की हिम्मत है, वो हमेशा टूटी हुई सी रहती है, वो अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाती है। आप लोग को ये जान के अच्छा लग रहा होगा या फिर जान के बहुत ही एक नई चीज लगी होगी कि इन छोटी छोटी चीजों का हम लोग के जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बढ़ेंगे बेटा हम लोग अपनी थर्ड स्टेजेस में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरी स्टेज है हमारी प्री स्कूल स्टेज, जब हम लोग अभी स्कूल में नहीं गए होते हैं, 3 से 5 साल की ये उम्र होती है। आजकल तो बच्चे 4+3+ में ही चले जाने लगे हैं, पेरेंट्स भेज देते हैं स्कूल, लेकिन ओरिजिनली जो स्टेज माँ होती है वो 3 से 5 साल के बाद ही आपकी स्कूलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। ये होती है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आपको कैसे होगा, एक्सप्लोरेशन स्टेज में। स्कूल जाने से पहले बच्चा एक बड़ा शैतान बच्चा होता है, वो हर चीज को एक्सप्लोर करता है, एंड अगर उसको एक्सप्लोरेशन करने के लिए आप अलाउ करते हो कि तुम चीजों को छुओ, तुम चीजों को करो और उसको करके सीखने दो, हमारे जैसे इंडियन पेरेंट्स कोई भी डिफेंड नहीं, मतलब ऑफेंड नहीं फील होगा, आई विल टेल यू व्हाई। हमारे इंडियन पेरेंट्स हम लोग को हर चीज करने से मना करते हैं, कहते हैं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, नहीं इसको मत करना, तुम्हारा हार्ट कट जाएगा, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग को बचपन से ही ना सुनने की आदत बहुत ज्यादा इंडियन पेरेंट्स डालते हैं। लेकिन आप लोग अगर इंस्टाग्राम रील्स देखते हो या फिर ओवरऑल दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, कभी भी आप अंग्रेज के बच्चों को देखिए, फॉरनर्स को देखिए, वो अपने बच्चों को कुछ भी गलत करने से भी रोकते नहीं है, वो उसको फिल्म करते रहते हैं, हंसते हैं, उसका पार्ट बनते हैं। एंड वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे की ये एक्सप्लोरेशन स्टेज है, वो गिरता है तो उसको गिरने दो, वो गिर के ही समझेगा। इंडियन पेरेंट्स रोकते हैं, बचाते हैं, ना 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 करते रहते हैं। ऐसा करने से आप उसकी एक्सप्लोरेशन स्टेज को रोक रहे हो, एंड अगर आप ऐसा करते हो तो वो अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी नए काम को करने के लिए इनिशिएट नहीं कर पाएगा। उसको करने से पहले उसको डर लगेगा कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। बहुत ही डर की स्थिति हम इंडियन बच्चों के अंदर रहती है। चाहे हम लोग अपना करियर चूज करते हैं तो लगता है कि यार ये करना चाहिए या नहीं, हम लोग अपना पार्टनर चूज करते हैं, हम लोग को लगता है करना चाहिए
है या नहीं, ये वाली जॉब मेरे लिए सही रहेगी या नहीं, ये करियर ऑप्शन सही है या नहीं, मैं इस पर इन्वेस्ट करूँ या नहीं, फोन ये वाला लेना चाहिए या नहीं, हम लोग हमेशा एक गिल्ट, एक डरे हुए स्टेट में रहते हैं, जो कि आपके एरिक्सन बताते हैं कि एक्सप्लोरेशन स्टेज अगर आपकी टास्क नहीं पूरी की गई है ठीक से, तो आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने में हमेशा परेशान रहोगे। ठीक है, क्लियर हो गई हमारी ये वाली स्टेज। आगे बढ़ेंगे और हम लोग चलेंगे अपनी चौथी स्टेज के अंदर, विच इज स्कूल एज। स्कूल हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे हम लोग अगेन बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हमारा जो सबसे पहली चीज यहाँ पे बताई है कि अगर आप स्कूल जाते हो एंड स्कूल का इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहा है, तो यू बिकम अ वेरी इंडस्ट्रियस काइंड ऑफ पर्सन। अगर नहीं ठीक रहता है, यू बिकम एन इंफीरियर काइंड ऑफ पर्सन, आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नाउ स्कूल के इन्वायरमेंट में दो चीजें आ सकती हैं कि बच्चे आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, बुरी संगत मिल गई, आपको बुली किया जाता है, एंड कुछ हद तक टीचर्स भी होते हैं जो आपको ह्यूमिलिएट करते रहते हैं। भाई आई कैन टोटली रिलेट दिस पॉइंट। मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत ह्यूमिलिएट किया था मेरे ग्रोइंग ईयर्स में, एंड इसकी वजह से आई डू फील दैट लोगों के सामने आई ऑलवेज हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको अभी ऐसा लग नहीं रहा होगा, बट आई डू फील ऑलवेज कॉन्शियस इन फ्रंट ऑफ द पीपल, लोगों के सामने, बिकॉज आपको आपकी जो चीजें कर रहे हो या आपकी पर्सनैलिटी को लेकर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो इतना बुरा घाव कर देते हैं आपके ऊपर, एंड इसकी वजह से आपको हमेशा इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना होते हो, आपको लगता है कि नहीं, वो सामने वाला हमसे ज्यादा बेटर है और मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो ये जो आपकी टास्क होती है स्कूल वाली, अगर सक्सेसफुल रह जाती है, तो यू बिकम अ वेरी लीडर काइंड ऑफ पर्सन, इंडस्ट्रियस काइंड ऑफ पर्सन। अदरवाइज आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये बहुत सारी बातें आज सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर कर पा रहे होंगे तो अपने मन में जो भी बातें हैं या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ होगा तो उसको जरूर कमेंट करके जाना। इट विल बी लाइक अ लेट डाउन, आप उसको लेट आउट करोगे एंड आपको अच्छा फील होगा, एंड आई वुड लव टू हेयर दैट फ्रॉम एवरीवन। देन हम लोग एडोलेसेंट स्टेज में आ जाते हैं बेटा, जो कि है हमारी 12 साल से 18 साल की उम्र में। ये आपकी सोशल रिलेशनशिप्स बनाने के बहुत काम आती है। आप नए नए दोस्त बनाते हो एंड आप नए नए लोगों से मिलते हो, आप कोचिंग क्लासेस में जाते हो, आप स्विमिंग क्लासेस में जाते हो, डांस क्लासेस में, मतलब ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड यहां पे अगर आपका टास्क अचीव हो जाता है, आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से इंटरैक्ट कर पाते हो सोशली, तो आपको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाला स्टेज आपका पार होता है। अगर अच्छे से कर लेते हो तो यू बिकम अ वेरी गुड पर्सन, जहां पे आपकी आइडेंटिटी को लेके आप कॉन्फिडेंट फील कर जाते हो। अदरवाइज आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, जिसको कहते हैं रोल कंफ्यूजन। नाउ इसको अगर आप टास्क को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते हो तो आप एक फिडिलिटी के स्टेज में चले जाते हो, मतलब आप एक धोखाधड़ी, आपके अंदर लोगों को धोखा देने की जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी आपकी डेवलप हो जाती है। आई विल टेल यू अ स्टोरी। मेरे स्कूल में जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जो बैंक वगैरह में काम करते हैं, जिनकी ट्रांसफर वाली जॉब होती है, तो देर वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट फ्रेंड ऑफ माइंड जो केरला से हमारे यूपी में आया था, ऑफकोर्स लखनऊ में वेर आई डिड माई स्कूलिंग, तो वो अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पाता था, एंड बहुत सालों तक जब तक हम लोग का स्कूल पास आउट हुआ उसकी इंटरैक्शन स्किल्स अच्छी नहीं थी, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर अगेन था। उसको आगे जाके आई केम टू नो फ्रॉम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड कि ही इज सफरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस। दो ही वॉज सो इंटेलिजेंट, 90% में उसके मार्क्स आते थे, लेकिन उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था, क्योंकि वो सोशली अपने ग्रोइंग ईयर्स में लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, तो वो अपने आप को एक आइडेंटिटी क्राइसिस में अब पाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अपनी यंग अडल्टहुड वाली स्टेज, जो कि है हमारी 19 से 40 ईयर्स। अब 19 से 40 ईयर्स की जो हमारी स्टेज है वो रिलेशनशिप्स, बेसिकली लव रिलेशनशिप्स वाली स्टेज होती है। एंड अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप पाने में सक्सेसफुल हो जाते हो, आपको अच्छा प्यार मिल जाता है, अच्छा पार्टनर मिल जाता है, यू हैव नॉट बीन थ्रू एनी काइंड ऑफ ब्रेकअप्स और टॉक्सिक पार्टनर रिलेशनशिप, तो आपको इंटीमेसी डेवलप होती है, अदरवाइज आइसोलेशन फील होता है। इफ़ यू हैव एवर बीन थ्रू अ ब्रेकअप और अ हार्ट ब्रेक और वेयर योर पार्टनर वॉज नॉट राइट, आप रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं बना पाते हो, एंड पार्टनर मिलने के बाद भी आप पूरा जीवन अकेला फील करते हो। ये आपके साथ होता है अगर आपके साथ कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, एंड आप लेस केयरिंग पर्सनैलिटी बन जाते हो। दैट मीन्स यू डू नॉट केयर फॉर पीपल एनी मोर, बिकॉज आपको आपके टाइम पे केयर नहीं, आपका वहां पे लव को लेके कमी हो जाती है। यू आर नॉट एबल टू लव पीपल एज मच एज यू शुड।
ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली स्टेज। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे कि लव और 40 इयर्स के बाद हमारी कौन सी स्टेज आती है, जो कि हम 40 से 65 इयर्स में, जिसमें हमारे पेरेंट्स हैं। नाउ वर्क एंड पेरेंटहुड यहाँ का टास्क होता है, आप अपनी जॉब में अच्छा कमा रहे हो, एक स्टेबल आपकी जॉब हो एंड आप पेरेंटहुड अच्छा कर पा रहे हो। जिनके भी पेरेंट्स ऑफकोर्स जिनके भी बच्चे होते हैं उनसे आप ये जाके पूछ सकते हो, बच्चों से रिस्पेक्ट पाना एंड एक अच्छे संस्कारी बच्चों को बड़ा करना। जैसे कोई भी बच्चा कुछ करता है तो पिक्चरों में कैसे दिखाते हैं कि भाई मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, मुझसे ही कोई गलत कुछ हो गया होगा। तो पेरेंट्स टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ प्राइड इन देयर पेरेंटिंग स्टाइल्स। अगर आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी पेरेंटहुड की है, आप अच्छे बच्चे निकल गए हो, अच्छी नौकरियां निकल गई आपकी लग गई हैं एंड सोसाइटी में आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा पार्टनर भी फिर आपको मिल गया एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर चीज में आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, प्राइड फील करते हैं एंड वो एक जेनरेटिविटी फील करते हैं। अदरवाइज अगर उनके काम में कोई प्रॉब्लम्स है कि आपके जैसे पापा हैं, पेरेंट्स हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं, किसी किसी के यहाँ उनकी मदर्स भी वर्किंग हो सकती हैं, आई एम नॉट ऐसे पॉइंट नहीं कर रहे हैं ओनली फादर्स को, अगर दोनों ही अपने घर पे एक गुड सफिशियंट अमाउंट लेके आते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो सेल्फ सफिशियंट नहीं फील करते हैं एंड स्टैग्नेंट फील करते हैं अपनी लाइफ में कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं, एंड वो नॉन केयरिंग पर्सनैलिटी बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अपनी लास्ट स्टेज को देखेंगे, विच इज मैच्योरिटी, जो कि है हमारी रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। अगर ये सारी स्टेजेस आपके बहुत अच्छी से चल गई हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि 65 की एज के बाद जितने भी हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे अब जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। अगर ये उनका टास्क अच्छे से हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, तो वो ईगो इंटेग्रिटी उनको मिल जाती है। अदरवाइज वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। एंड ये जो स्टेज होती है, अगर आप विजडम बोलते हैं ना कि बड़े बूढ़ों को बड़ा दिमाग होता है, विजडम होती है, ये आपकी डेवलप होती है। ठीक है, तो ये वाली स्टेज हम लोग की थोड़ी सी लंबी चल गई, बट आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इसी के साथ हम लोग चलेंगे अपनी तीसरी स्टेज में, जो अगेन बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो क्लेम करती है दैट अवर डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग happens इन सिक्स स्टेजेस। अब हम लोग ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखा, हम लोग ने साइकोसोशल डेवलपमेंट को देखा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मॉरेलिटी की, भाई संस्कारों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, ये पूरा होगा। ओके, तो तीन स्टेजेस आपकी बताई गई हैं, यहाँ पे सिक्स लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अरे मैम यहाँ पे तो सिर्फ तीन है, तो हर तीन में आपकी दो दो स्टेजेस डाली गई हैं, विच विल मेक अप योर सिक्स स्टेजेस। आओ हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में। जो पहली स्टेज है हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज आपकी 0 से 7 में आती है। यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू अवॉइड पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। बताया था ना कि 0 से 7 की जो एज होती है, बच्चा हर चीज को एक्सप्लोर करता है, फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है एंड वो सेल्फ इंटरेस्टेड रहता है। ये आपकी ये वाली स्टेज होती है। देन हमारी कन्वेंशनल स्टेज जो होती है 8 से 18 एज में, वो होती है गुड बॉय एटीट्यूड वाली, देन लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी वाली। अगर आप एक अच्छे बच्चे बन जाते हो तो आप जैसे बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है अरे मेरा राजा बेटा तू तो कितना अच्छा हो गया, जैसे बेटियों को भी बोला जाता है, तो यहाँ पे बच्चा ना मॉरालिटी को अपनाने की कोशिश करता है, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है एंड इसी के साथ वो लॉ एंड ऑर्डर को, जो रूल्स बनाए गए हैं कि कुछ भी घर के छोटे मोटे भी रूल्स होंगे कि चप्पल यहाँ पे रखना है, कपड़े नहीं फैलाने हैं, गंदगी नहीं करनी है, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, इसको मॉरालिटी में डालते हैं। देन जो थर्ड स्टेज होती है वो आपकी अडल्टहुड वाली स्टेज होती है, ये आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे आ जाती है एंड प्रिंसिपल्स पे आ जाती है, जहां हम लोग दुनिया के रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं एक अच्छे मॉरल इंसान कहलाने के लिए। तो कोलबर्ग की ये 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है। 0 से 9 की एज आपकी स्टेज 1 कहलाती है। इस स्टेज में आप ओबीडिएंट या तो होते हो या तो आपको पनिशमेंट मिलती है। देन स्टेज 2 जो होती है इंडिविजुअलिज्म एंड आपका एक्सचेंज होता है। इसमें ज्यादा आपको समझने वाला कुछ है नहीं। कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर आपकी डेवलपमेंट ऑफ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, आप भाई गुड बॉय एटीट्यूड आपको रखना है, राजा बेटा रानी बेटी अगर आपको बनना है, तो आपको कुछ सोशल ऑर्डर कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अडल्ट
इसमें आ जाते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, स्टेट्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. हमारी दुनिया में कुछ रूल्स होते हैं, भाई हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगानी है, कुछ सेट ऑफ कपड़े ही हम लोग को पहन के बाहर इस दुनिया में निकलना है, एंड और भी बहुत सारे, बड़ों के पैर छूने हैं, आदर करना है, एंड सो मेनी थिंग्स. इफ यू आर मॉरली डेवलप्ड पर्सन, आप इन सारी स्टेजेस से होके गुजरते हो एंड इनको फॉलो करते हो. और इसी के साथ हम लोग के ये खत्म हो जाता है. अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि ऐसी थ्योरीज को किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या लर्न करना है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं. क्वेश्चन नंबर वन आपसे पूछा गया है, एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल, यहाँ पे लिखा है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोसोशल भी हो सकता है. आपसे पूछा गया है जो हम लोग ने पढ़ा था कि दिस वर्सेस दिस, दिस वर्सेस स्टेज दिस, तो वो कौन सी स्टेजेस में आपका होता है या किसकी वजह से होता है. हमारा जो बेसिक ट्रस्ट एंड वर्सेस मिसट्रस्ट है, आई टोल्ड यू ना कि आपके अंदर ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट किससे आपका पैदा हो सकता है, आपका फीडिंग स्टेज से. आपकी अगर फीडिंग अपने मदर से, स्टार्टिंग रिलेशनशिप अच्छा है, तो आप अपने जीवन में ट्रस्ट इश्यूज से परेशान नहीं रहते हो, जो कि हो जाएगा आपका ए का फोर. कोई भी ऐसा है जो ए का फोर मुझे दिखाई दे रहा है? पॉइंट नंबर थ्री आगे देखेंगे. इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियोरिटी, आप स्कूल में जब जाते हो तो या तो आप एक बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज आपको मिलती हैं, अगर आपको बच्चे सही बुली नहीं कर रहे हैं, टीचर्स भी आपको बहुत सम्मान दे रही हैं, अच्छे से आपको ट्रीट कर रही हैं, तो ये आपकी जो स्टेट होती है वो आपकी स्कूल वाली होती है, विच इज बी का थ्री. वो मेरा वही वाला आंसर बन रहा है. इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, या तो आप बहुत ही इंटीमेट गुड रिलेशनशिप रखने लगते हो या आप अकेले रह जाते हो, ये लव रिलेशनशिप्स की वजह से होता है. Whereas generativity versus stagnation आपका parenting और mentoring की stage में होता है, जिसकी वजह से मुझे मेरा answer मिल गया. It is this answer. I hope आप लोगों को मदद मिल रही होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा. आगे बढ़ेंगे, अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. हमारे पियाजे की स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे पूछी गई हैं. तो हमारी जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, वो हमारी सबसे पहली स्टेज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में, छोटे काका वाली स्टेज होती है, 0 to 2 years हमारी, जहाँ पे बच्चा अपने सेंसेस को इस्तेमाल करता है और जानने की कोशिश करता है. देन हम लोग की जो स्टेज आती है दूसरी, वो होती है प्री ऑपरेशनल. पहले ये देखो, ए का थर्ड आप ढूंढ लो, तो ए का थर्ड हम लोग को कौन सा है, ये वाला है, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली आंसर मिल ही गया है, एंड यही हम लोग का आंसर है. जो प्री ऑपरेशनल हमारी स्टेज होगी, वो हम लोग की है, बिगिंस अबाउट द टाइम व्हेन चाइल्ड स्टार्ट्स टू स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट टू अबाउट 7 years old. आपकी 7 years old तक की ये होती है. देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, वो बिगिंस अबाउट द फर्स्ट ग्रेड टू अर्ली एडोलेसेंट अराउंड 11 years old. आपकी अडोलेसेंस, जो टीन वाली एज होती है, 13 जैसे ही आ जाता है, अडोलेसेंट या टीन वाली एज बोली जाती है, उससे पहले की आपकी स्टेज होती है. वेरस जो फॉर्मल ऑपरेशनल हमारी स्टेज होती है, उसको हम लोग पूरी तरीके से अडोलेसेंट टू अडल्टहुड वाली स्टेज कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर थ्री, एज पर पियाजेस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज एंड बिगिंस टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज. आपके पियाजे के अकॉर्डिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो सेकेंड स्टेज होती है, वहां पे बच्चा, क्या बच्चा वहां पे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, सिंबल्स को यूज करना शुरू कर देता है? जी हाँ, हम लोग ने तो ये पढ़ा था. देन दूसरे स्टेटमेंट टू के अंदर, As per Piaget's stages of cognitive development, the child learns through reflexes, senses and movements, actions on the environment during the formal operational stage. ये तो बिल्कुल नहीं होगा. Senses का वो use करता है अपनी sensory motor, यानी कि हमारी पहली stage में. तो हमारा क्या होना चाहिए? Statement one is true, whereas statement two is false. हम लोग देखेंगे, check करेंगे. हाँ, हम लोग का यही आंसर है. तो आई गेस ये क्वेश्चंस टुडे आई एम सॉल्विंग फॉर यू पीपल, क्योंकि ये थ्योरीज हैं, पहली बार में ही नहीं किसी को समझ में आती हैं, एक दो बार वीडियो और देखना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा. आगे बढ़ेंगे बेटा और देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन. एज पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, adolescent students are in which stage of development? बहुत ध्यान से इसको अच्छी तरीके से समझो. आपसे पूछा है कि आपकी पियाजे की स्टेज में जो adolescent होता है, वो कौन सी स्टेज में होता है? अभी अभी हम लोग ने उसकी चार स्टेजेस को देखा है, सेंसरी में होता है, ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट में या फॉर्मल ऑपरेशन में. एंड आपका आंसर क्या बन जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी आखिरी स्टेज होती है, वो adolescent से adulthood की तरफ जाती है. चलेंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. द कंस्ट्रक्शन
of thought process which includes remembering, problem solving and decision making is called. अब ये commonsensical type of question है, teaching aptitude कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा है exactly वैसे questions आएंगे, थोड़े से दिमाग लगाने वाले भी questions आएंगे. अगर बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा है तो इनको करना आपके लिए problematic नहीं होगा. And I will not tell you the answer of this. आप बताओ कि वो कौन सा हमारा स्टेज होता है या फिर वो कौन सा यहाँ पे इन चारों में से दिया हुआ ऐसा वर्ड है जो आपका रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग जिसमें काम आता है. बेसिकली यहाँ पे आपके किसके बारे में बात की जा रही है? मेंटल एबिलिटीज. तो आपकी मेंटल एबिलिटीज हम लोग को किसमें मिलती हैं? आई होप आप लोग ने आंसर किया होगा. किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट. हम लोग ने कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर कल की क्लास में किया था ना, ये थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन है. चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे देर आर डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब तीन लगातार स्टेजेस या तीन थ्योरीज करने के बाद हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा याद ना आए, लेकिन अगर जीन पियाजे की हम लोग स्टेजेस के बारे में बात करेंगे तो कितनी स्टेजेस थी उनकी? चार स्टेजेस थी उनकी, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. और ये रहा आपका आंसर. और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं आज की क्लास की एंड में. आई थॉरली एंजॉय टुडे सेशंस बिकॉज ऐसे डिफिकल्ट थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में मुझे बड़ा मजा आता है. एंड आई होप आप लोग को भी सुन के एंड नई चीजों को जान के बहुत मजा आया होगा. अगर आया है तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट जरूर करके जाना. अपनी जिंदगी में अगर आपका कोई फिक्सेशन रह गया है ना, आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हो तो कमेंट करना. आई विल डेफिनेटली apply you on that point because मेरी भी लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आई हैं जहाँ पे मैंने चीज़ों के fixations को बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से अपनी personality development को shape करने में problem हुई है. and I'm still trying to and I'm still working on my personality. तो आपको अगर help चाहिए इसमें भी तो I am ready to give you on that. जैसा भी आपको वीडियो लगा हो अपना कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा. एंड इसी तरीके से हम लोग के इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा. आई होप दी सीरीज आर बिकमिंग वेरी फ्रूटफुल टू यू बिकॉज इसमें बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं. तो जरूर से अप्रिशिएट करिएगा, लाइक जरूर से करके जाइएगा. अप टिल देन बाय एंड टेक केयर. मीट यू अप इन गेट अनदर वीडियो.